एंड नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। इंसान की काबिलियत का आंकलन इथों पता लगता है कि उन्हें काज संपन्न कितना किया, किसी चीज नूं अटेम्प्ट नाल उहदी काबिलियत का पता नहीं लगता। मैं मुढ़ तो पंजाब दे लोकां दे हितां दी पहरेदारी करदा आया और उन्हां दी आवाज, उन्हां दे हक ते हितां दी आवाज हमेशा चुकदा आया। ते मैं अज भी कह रहा कि कांग्रेस हाईकमांड के निर्देश अनुसार जरा 18-31 प्रोग्राम दिता गया है वो लागू हो के ही रहेगा, वो लागू करना पड़ेगा। और कुछ अरसा पहला मैं सीएम पंजाब दे कोल कुछ प्रायोरिटी जिन्होंने पहल दी तरजीह देनी चाहिए है, कुछ प्रायोरिटी एरियाज लेके गया सी। लोक पक्षी जड़ियां मंगा ने, लोकां दी आवाज जड़ी धरती फाड़ के आउंदी है, सब तो पहला जड़े 3 काले कानून ने, यह गैर कानूनी ने, संविधान के खिलाफ ने, इलीगल ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, फैडरल स्ट्रक्चर के उत्ते, स्टेटा के अधिकारों के उत्ते एक डाका ने। इस करके सिरे तो पंजाब जिन्हें मुढ़ बनिया सरकार नू टॉर्च बिरर बन के जिस तरह SYL वेले स्टैंड लिता गया सी, उस तरह कलियां अमेंडमेंटा नाल नहीं, इन्हां नू सिरे तो नकार के ये कहना बनता है कि असी गैरतमंद पंजाबी इन्हां नू लागू नहीं होण देंगे और सिरे तो नकार दें। ट्रेड एंड कॉमर्स की आड़ दे विच, फूड आइटम्स की आड़ दे विच स्टेट पंजाब दे कानून बनाण दे और होर स्टेटां दे कानून बनाण दे अधिकार दे उत्ते डाका है, साडे अधिकार खोए गए ने। इस करके यह साड़ी पहली तरजीह है कि असी इनू सिरे तो नकार देिए, बिकॉज दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर इनलीगल, दे आर अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर एंड हैव टेकन अवे द राइट्स ऑफ द स्टेट्स टू मेक लॉस। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इहदे ते नवां कानून बने अपने अख्तियारां नूं मद्देनजर रखते हुए, इस स्टेट सब्जेक्ट के अधिकारां नूं यूज करते हुए और सिरे तो इन्हां काले कानूनां नूं रद्द किया जाए और लागू ना होने दिता जाए। दूसरी चीज जड़े फॉल्टी PPAs ने, बिजली दे जड़े अग्रीमेंट ने, मैं ये गर्व नाल कह सकदा कि शायद ही कोई हिंदुस्तान च ऐसा सूबा होवे जड़ा 10,000 करोड़ तो उत्ते सबसिडी बिजली दी किसान वीरां नूं और आम लोकां नूं दिंदा होवे, चाहे वो बैकवर्ड क्लास है, चाहे वो BPL है, चाहे वह फ्रीडम फाइटर्स ने, 200 यूनिट बिजली दे उन्होंने फ्री दिते जाते हैं, तो किसानों नू बिजली फ्री है। अगर तुसीं दिल्ली का मॉडल देखो तो दिल्ली दे विच इस 10,000 करोड़ तो दी सबसिडी की तुलना के अनुसार
17,00,000,000,000 की सबसिडी दी जाती है। नंबर दो, जड़ी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूसेज की बिजली दी जाती है वह भी दिल्ली नालों कितने सस्ती है पंजाब दे विच। नंबर तीन, पंजाब सरकार दे जड़े अदायरे ने PSPCL 30% बिजली की उपज करती है और 18 पैसे सस्ती बिजली दिंदी है। वेलफेयर स्टेट होने के नाते अपना दायित्व निभाते हुए 18 पैसे खरीद तो सस्ती बिजली दिंदी है नुकसान झेल के, लेकिन लोगों प्रति अपने हक अदा करती है। दिल्ली दे विच ना तो उन्हां दी कोई उत्पादन है तो यह जिहड़ा दायित्व हजारों नूं इंपलॉय करके PSPCL ते और पंजाब दे सरकारी अदारे बिजली वाले अदारे करते ने उत्थे टाटा ते रिलायंस करता दिल्ली च और कोई बिजली का उत्पादन नहीं हुंदा। लेकिन फिर भी जिहड़ा डोमेस्टिक यूजर है वह त्राही त्राही कर रहा है, उन्हें सस्ती बिजली क्यों उपलब्ध नहीं होती। ये सब तो वड्डा अड़िंगा, सब तो वड्डी अड़चन बादल सरकार दे कीते हुए PPAs ने, जड़े सरकार दे हितां नूं लोकां दे हितां नूं पूरी तरह गलत तरीके नाल जड़ा वाजिब तरीका नहीं है उहदे नाल खो रहे ने। पीक टाइम जड़ा बिजली दा है जदों सब तो वध कंजम्पशन हुंदी है मेगावाट्स दी, उह जदों झोना लगदा है उदों है करीब करीब 13,000-14,000 मेगावाट। उस पीक टाइम नूं लै के इहदी एवरेज तय की गई है। हालांकि पंजाब दे विच तां कोई इहो जिहा टाइम भी आउंदा जदों 3,000 मेगावाट डिमांड हुंदी है, एवरेज नहीं लिती गई और पंजाब नूं बगैर बिजली लिते फिक्स चार्ज जिहड़े कि पीक टाइम के उत्ते लागू किए जाते हैं 1,000,000,000,000 देने पै रहे हैं। अज जिहड़ी सोलर ऊर्जा है वह 1.99 रुपये उपलब्ध ने, उपलब्ध है वो, और मजीठिए ने जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट किए ने 17 रुपये ते 7 रुपये के किए हुए हैं और यह पता होने के बावजूद कि हर साल 15-20% सोलर ऊर्जा का रेट घटना है। इस करके फॉल्टी PPAs सिरे तो रद्द किए जान और जड़ा ये 5 निकाती प्रायोरिटी एरिया एदे ते हुण बूर पिया, एदे ते बूर पैना शुरू हो गया। तीसरी चीज, गुरु साहब का इंसाफ, बेअदबी का इंसाफ, सारी दुनिया अज भी चाहती है कि मिसाली सजा दिती जावे जिन्होंने वोटां दी पोलराइजेशन खातर साडे गुरु साहब के अंग गलियां नालियां दे विच खलेरे और इस जघन्य अपराध के लिए सजा याफ्ता किया जाए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी खौफ च रहे कि ऐसा करना तो दूर सोचे भी कोई ना। जड़े STF च दर्ज किए हुए बड़े मगरमच्छ जिन्होंने मावां दियां कुखां उजाड़तियां, जिन्हां दे खिलाफ स्टेटमेंटा ने एविडेंस है, जड़े तस्करां दे नाल सौंदे सी और जड़े लोग कैद भी किए गए ने, उन्हां लोकां नूं भी उन्हां दे कहण दे उत्ते जिहड़ी उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दित्ती है कि वह 6 फुट 4 इंच दे जिहनूं डरौना बना के टंगना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी मिसाली सजा देनी चाहिए है, वह भी ये पहल दे आधार दे उत्ते
होना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस है। और जड़े लोग एक्सट्राडिशन ले सत्ता पिंदी अमरिंदर जिन्होंने पालती फिर नाल सौंदे समझौते उन्होंने कराए जाते लाल बत्तियां वाली चिट्टियां गड्डियां दे विच काला माला होया ऑन रिकॉर्ड है हाई कोर्ट के निर्देश ने वह लिफाफे खुलने चाहिए ने इंसाफ होना चाहिए मिसाली सजा मिलनी चाहिए। और फिर जड़े अज प्रोटेस्ट हो रहे ने टीचर होन डॉक्टर होन नर्सा होन मेरे वीर मैं जलंधर खड़ा सफाई कर्मचारी वीर होन कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे उहदा मौलिक अधिकार है उहदे नाल संपर्क साधना चाहिए संवाद भी होना चाहिए उन्हें इज्जत मान मिलना चाहिए दरवाजे खुलने चाहिए ने दिल दे खास तौर दे उते ते जड़ी स्टेट की वित्तीय क्षमता है पोटेंशियल है उहदे हिसाब दे नाल उन्हां दे मसले इज्जत मान सम्मान दे नाल हल किए जाने चाहिए ने। कांग्रेस का हर एक वर्कर हाईकमांड के निर्देश और असी सारे पहरेदार हाँ लोक हितों के कल अज ते कल पिछले 17 सालों तो यही स्टैंड सी इसे ते खड़ोते हाँ ते इसे ते खड़ोते रहांगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया।